बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। बिहार से लेकर दिल्ली तक मुआवजे की मांग बीजेपी कर रही है। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामे के वजह से विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन अब लोकसभा में भी बिहार बीजेपी के जो सांसद हैं वो मुआवजे की मांग कर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज संसद के अंदर बीजेपी कोटे के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के भाजपा सांसदों ने सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए छपरा और अन्य जगहों पर जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में जांच की मांग करते हुए जो लोग इस शराब कांड में शराब पीने की वजह से जिनकी मौत हो गई उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। खुद इसकी अगुवाई बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी कर रहे थे। देखिए किस तरीके से संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं उनमें रामकृपाल यादव भी हैं, जो प्रमुखता से इस मांग को उठा रहे हैं कि बिहार में जिन लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है उन लोगों को अब न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिले और साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार की यह विफलता है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। इसके बावजूद भी जहरीली शराब कैसे आई और कैसे इतनी जो तादाद में लोगों ने शराब पी और उसके बाद उनकी मौत हो गई, इस पूरे मामले की जांच के साथ आज संसद के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने पूरा मामला उठाया है उसके बाद अब देखना है नीतीश सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है।